नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी को देखते हुए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीते 8 दिनों में ही एक बार नहीं दो बार पीएम नरेंद्र मोदी प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस भी मिशन हिमाचल को लेकर पूरी तरह से तैयार दिख रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगी और 14 अक्टूबर को वो राज्य में पार्टी के चुनाव अभियान की भी शुरुआत करेंगी, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं। शुक्रवार को वो पहले दोपहर करीब 12 बजे मां शूलिनी मंदिर में दर्शन करेंगी और उसके बाद पार्टी की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगी। चलिए दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। मॉस्को से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट तड़के 3:20 पर ही लैंड हुई और सभी यात्री और क्रू मेंबर्स को नीचे उतारा गया। इसके बाद फ्लाइट की जांच की गई। फ्लाइट में 386 यात्री और 16 क्रू मेंबर्स थे और जानकारी के मुताबिक देर रात 11:15 पर सूचना मिली कि मॉस्को से 3:20 पर दिल्ली आ रही फ्लाइट नंबर SU-232 में ही बम है और विमान में बम की सूचना मिलने के बाद सभी एजेंसियां अलर्ट पर आ गई। इसके बाद बम निरोधक दस्ता रेस्क्यू टीमें तैनात की गई और विमान को ही रनवे 29 पर उतारा गया और सभी यात्रियों को और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित नीचे उतारा गया। विमान की चेकिंग की गई और हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें कोई बम नहीं मिला है और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है। फ्लाइट में 386 यात्री और 16 क्रू मेंबर्स थे। भारत के कई राज्यों 3-4 दिनों तक हुई लगातार बारिश बंद हो चुकी है और मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहेगा। इन राज्यों से बारिश के बादलों की वापसी हो चुकी है। राजस्थान में भी बारिश को होने का आसार जो है नजर नहीं आ रहा है और दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहाँ बारिश नहीं होगी लेकिन धूप भी नहीं निकलेगी और बादल छाए रहेंगे। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।